हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने गूगल अकाउंट का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने गूगल अकाउंट का प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करना है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सीखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आएगा उसे भी ऑल प्रेस कर ले, ताकि मैं कभी टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे और आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम किसी भी गूगल अकाउंट का फ़ोटो प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने के लिए सिंपली किसी भी ब्राउज़र पर जाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए मैं क्रोम को ओपन कर, दोस्तों आपके सामने क्रोम ओपन होकर आ गया होगा। मेरे सामने क्रोम ओपन हो गया है। अब सर्च बार पर टाइप करना है आपको माई गूगल अकाउंट। माय गूगल अकाउंट टाइप करने के बाद आपको सिंपली सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ गौर से देखना होगा कि यहाँ पर account.google.com कहाँ लिखा है। दोस्तों, आपको वही साइड ओपन करना है जहाँ पर लिखा होगा account.google.com, क्योंकि दोस्तों आज दुनिया में बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, इसके वजह से मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। account.google.com के वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों, सिंपली मैं गूगल के ऑफिशियल साइट पर आ गया हूँ, जिससे मैं गूगल की किसी भी अकाउंट को लॉगिन करके मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर गूगल अकाउंट लॉगिन है तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन होगा तो इस तरह का आपका प्रोफाइल नज़र आएगा। अगर लॉगिन नहीं होगा तो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपका लॉगिन किया हुआ है तो सही है, नहीं तो आप लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों, आपको फ़ोटो चेंज करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको एक फ़ोटो एडिट का ऑप्शन नज़र आएगा। इस फोटो एडिट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन होकर आएगा, इसमें आपको बोल रहा है सिलेक्ट ये फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस तो होगा। आपको सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। अगर आप अपना फोटो कैमरे के थ्रू लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कैमरा में शूट कर सकते हैं। अगर आप किसी गैलरी पर पड़ा हुआ है तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। मैं किसी गैलरी से फ़ोटो को उठाऊंगा तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूंगा। डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो गैलरी है वो आ जाएगा। आपके पास आपको इसी डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आप गूगल ड्राइव से कोई भी फ़ोटो लेना चाहता है तो ले सकता है। अगर आप कोई भी इमेज ले सकता है, वीडियो, ऑडियो, डाउनलोडर, अगर आप किसी आपको नहीं मिल रहा है तो फाइल में जाके भी ले सकते हैं। तो मैं चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, सिंपली मैं आपको दिखा देती हूँ यही वाला इमेज सिलेक्ट करके। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैंने क्लिक कर दिया, हमारा फोटो यहाँ पर आ गया है। देख सकते हैं हमारा फोटो अपलोडिंग चल रहा है। अभी अपलोडिंग खत्म होने के बाद ही आपको एक प्रूफ का ऑप्शन दिया जाएगा। ये देखिए, इस पे आपको आपका फोटो जितना भी आप साइज का ले सकते हैं। प्रूफ करके आप
ले लीजिए। मैं आपको सिंपली दिखाने के लिए हमारा रहने देता हूँ और यहाँ सेट हैज प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली दोस्तों एक काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद ही आपका फ़ोटो अपलोडिंग हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा फ़ोटो अपलोडिंग सक्सेसफुली हो गया है। दोस्तों मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट था जिस पर मैंने वो फ़ोटो अपलोड किया था वो फ़ोटो मेरा सेटिंग हो गया। तो आप दोस्तों आप किसी भी अकाउंट का इस तरह से फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो दोस्तों नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर जाएं।